आपके साथ दशमी पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के हापुर से। हापुर के एक कॉलेज में हमें शास्त्रीय कथक नृत्य और संगीत का संगम देखने को मिला। हापुर के बुलंदशहर रोड स्थित माध्यमिक विद्यालय में पहली बार कथक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि बुलंदशहर रोड स्थित नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुर में पहली बार 6 दिवसीय कथक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व सरस्वती वंदना के साथ हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान कथक सीख रहे मुस्लिम बच्चों ने बताया कि पहले उनके माता पिता कथक के लिए मना करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता को समझाया, बातचीत की, तो उनके माता पिता ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हापुड़ के इस विद्यालय में 80% बच्चे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य में काफी रुचि ले रहे हैं और आने वाले समय में वह अपना नाम भी रोशन करेंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आज के इस समय में जहां वेस्टर्न स्टाइल इतना ज़्यादा चल चुका है, उसी का कल्चर है और उसी की तरफ जो है लोगों का ध्यान भी ज़्यादा है, डांस भी उसी के लिए सीखते हैं। लेकिन आज हापुड़ के एक ऐसे स्कूल में हमें देखने को मिला है जहां पर बच्चे जो है एक क्लासिकल संगीत सीख रहे हैं और सिखाने वाले विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि काफ़ी फेमस है। सबसे पहले आपका परिचय जानते हुए जानना चाहेंगे कि यहां पर बच्चे जो हैं ज़्यादातर मुस्लिम समाज के हैं, फिर भी वो एक नृत्य सीख रहे हैं जो कि शास्त्रीय संगीत होता है, किस तरह से सीख रहे हैं? बच्चों में तो काफ़ी उत्साह है। जब से मैंने स्टार्ट करा है तो लोग बच्चे थोड़ा सा नर्वस थे, बट जब हमने स्टार्ट करा तो वो काफ़ी इंटरेस्ट आ गए, उनको मज़ा आने लगा, मतलब डांस में एक अलग उमंग आने लगा और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख भी पा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू भी करें आगे लाइफ में, करियर में। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पहला दिन का जो कार्यशाला है। अच्छे, लगभग जो बच्चे हैं मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, आमतौर पर देखा जाता है मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं शास्त्रीय संगीत की तरफ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब होने लगे, रुझान किस तरह का मिल रहा है? ऐसा तो हमें कुछ नहीं लगा, यहाँ सब बच्चों में एक अलग ही है। जैसे बच्चे बच्चे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, ऐसे कुछ भी है। बट बच्चों को ये है कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कथक कार्यशाला जब हम पहली बार हम लोगों ने सोचा था तो हमारे मन में भी यही था कि बच्चे सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, बट अब इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, इनको बस हमें हमारी जो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है कल्चर, तो उस चीज़ पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितने प्रतिशत बच्चे यहाँ पर मुस्लिम हैं और किस तरह का यहाँ पर रुझान मिला है शास्त्रीय संगीत को लेकर? पारुल त्यागी, प्रिंसिपल जैन कन्या इंटर कॉलेज। मेरे यहाँ 80% मोर देन 80% बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। हालांकि स्कूल या हम लोग ये नहीं देखते कि बच्चा हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। स्कूल के जो दरवाजे हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं मुझे उन पे थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हम सीमित संसाधनों में काम करते हैं। हमारे पास संसाधन बहुत कम है, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्कूल है जहाँ पर संसाधन हमारे पास बहुत कम होते हैं और उन्हीं कम संसाधनों में हम अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मेरा ये प्रयास था कि इस कार्यशाला के द्वारा इतने अच्छे जो हमारे ये ट्रेनर हैं जो इनको विधिवत शास्त्रीय नृत्य सिखा रहे हैं, इनके द्वारा ये इतना अच्छा सीखें, अच्छा प्रयास करें, आगे बढ़ें, अपनी क्षमता को पहचानें और बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। बच्चों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सीख कर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें सबको सीखना चाहिए, क्योंकि वो तो हम जो और ये डांस जो होते हैं उनको हम ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़े हार्ड हैं, लेकिन हम जब सीखेंगे तो हमें आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब मैंने घर पे अब्बू से नहीं बताया था, लेकिन मम्मी से बताया था तो मम्मी ने मना नहीं करा इसको। मतलब ये सर जो बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, मतलब नए नए स्टेप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अमेठी के जगदीशपुर विकास खंड स्थित एएच इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विकास खंड जगदीशपुरम व बाजार शुक्ल के विभिन्न गांवों व कस्बों से आए हुए सैकड़ों युवक व युवतियां उपस्थित हुए। आए हुए युवक व युवतियां जो पात्रता के अनुसार उचित पाए गए, उनका विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाजों व परंपरा के अनुसार सम्पन्न कराया गया। इस दौरान कुल 54 विवाह सम्पन्न हुए। यहाँ पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 54 जोड़ों का हुआ, जिसमें 3 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। दोनों का अपने धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया और
आदेश के हिसाब से 35,000 के खाते में जाएंगे पैसे, 10,000 का गिफ्ट दिया गया और 6,000 रुपये तक जो है आयोजन पर खर्च था, टोटल 51,000 की व्यवस्था की तरफ से। मैनपुरी की कुरावली थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित के जमीन पर कब्जा करने की नियत से अपना ट्रैक्टर चला दिया, जिसका विरोध करने पर खेत में काम कर रहे दलित के परिवार पर ऐसा कहर बरपाया गया कि उसे लाठी डंडों से मारपीट कर मरणासन्न स्थिति में उस समय छोड़ा गया जब तक कि मौके पर पुलिस नहीं पहुंच गई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम राजलपुर का है। सूचना पर पहुंची 100 पुलिस को भी दबंग धक्का देकर भाग जाने में सफल हो गए। पुलिस ने घायलों को कुरावली स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती कराया है, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कर दिया है, जहाँ घायल जिंदगी और मौत से अब संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो अपने खेत पे गया था तो अपना प्यार बगराने के लिए, तो उन्होंने आए गाड़ी खेत में घुसती, जैसे ही हमने उनको रोका तो वो दबंगी से खेजूत रहे थे और मेरा पट्टा है 10 साल से, मैं 10 साल से कर रहा हूँ उसको, तो उन्होंने दबंगी से गाली गलौज की, जब मैंने रोका तो मारपीट की। उन्होंने सोनू मोनू और लल्लू बच्चू 6 भाई थे ये, और उनके साथ में भी रत्वेश मारपीट दबंगी से कर रहे हैं कि ये खेत हमारा जबरदस्ती से जोतना चाह रहे हैं। भाई खेत का झगड़ा हुआ, मेरा खेत का वो कब्जा कर रहे थे, हम लोगों ने रोका इसीलिए मारा, जाट और ठाकुर अच्छा। हम 3 लोग हम वहाँ आ रहे थे उधर से मोटरसाइकिल लेके, खेत पे अपना काम कर रहे थे, खेत पे आने पे ही इन लोगों ने ट्रैक्टर लेके आए वहाँ से सोनाई से, उन्होंने भेज दिया जो कि ट्रैक्टर खेत जो था गेहूँ का, हमने खेत ट्रैक्टर को रोका, उन्होंने हमारे ऊपर पहिया चलाने की कोशिश करी, हम दूर भाग गए, उन लोगों ने पकड़ लिया आगे जुट गए, जब हम लोगों ने मना किया तो खेत में, और खेत में जब मना करने के बाद में फिर जो है उन लोगों ने फोन कर दिया, वे लोग सारे लोग आ गए ठाकुर लोग वहाँ से, ठाकुर लोग आने के बाद में फिर डब्बू और फौजी और उनके भाई भी लड़के, वे लड़के जो है उन्होंने फिर हमको मार मार के तुम्हें बताया आपको इतनी तेजी से, तब तक पुलिस वहाँ आ गई 100 नंबर की, मैंने कॉल की, कॉल लो उठी नहीं, उठने के बाद में दरोगा जी के लिए कॉल किया, दरोगा जी साहब बाद में आए, तब तक 100 नंबर आ गई, 100 नंबर आने के बाद फिर उसके बाद में बड़ी गाड़ी आई, दरोगा जी आई, उन दोनों सिपाहियों को धक्का मारने लगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुर के गढ़मुक्तेश्वर के गांव अटसेरी में लगने वाले साप्ताहिक पशु बाजार में अचानक पहुंचे उप जिलाधिकारी ने 10 मिनट में बाजार खाली करने के आदेश दे दिए, जिससे पशु बाजार में मौजूद किसानों व पशु व्यापारियों में हड़कंप मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। उप जिलाधिकारी ने बताया कि साप्ताहिक पशु बाजार मानक के अनुरूप चल रहा था, यहाँ पर पशुओं के साथ क्रूरता की जाती है, पशुओं को भूसे की तरह कैंटरों में भरकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसके चलते जिला पंचायत में मामले की शिकायत की गई थी, ठेकेदार द्वारा नोटिस का जवाब देने के बाद ही अब पशु बाजार दोबारा से चालू हो पाएगा। ये अटसेनी में पशु बाजार लगाई जाती है और इसमें काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि पशु क्रूरता है, पशुओं के लिए यहाँ पे कोई भी साधन नहीं है और इनके जो है मतलब उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और पशु क्रूरता विशेष रूप से जो गाड़ियों में पशु भर के आते हैं और यहाँ से जो पशु लद के जाते हैं उसमें जो मानक है जो उनका उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए जिला पंचायत की तरफ से इनको नोटिस दिया गया था कि 3 दिन के अंदर अपना जवाब दें और तब तक अपना जो पशु बाजार है इसको संचालित न करें, तो ये नोटिस लेके ये लोग हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में नोटिस डाल दी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी हमें सुबह जानकारी हुई कि हम लोग के आदेश के बावजूद जो है यहाँ पे पशु संचालित कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इनको यहाँ पे आके पशु बाजार के लिए मना किया है और पशु बाजार खाली करवाया जा रहा है, तो ये अग्रिम आदेशों तक ये पशु बाजार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचके न्यूज़।